तमाम देखने व सुनने वाले हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे बस आप इन्ना अतैना कल कौसर का ये वजीफा कर लें। सूरह कौसर का ये वजीफा आप कर लीजिए, सिर्फ एक दिन का वजीफा है। बहुत मुश्किल से आपको ये वीडियो मिली है, ऐसी वीडियो फिर दोबारा नहीं मिलेगी। ये वजीफा जानने का मौका दोबारा मिले ना मिले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए फायदा उठा लें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, सूरह कौसर का ये एक वजीफा, ये एक दिन का अमल है। आपको ऐसा लगेगा कि लोग दरवाजा खटखटाकर पैसे देकर जाएंगे, और कौन लोग पैसे देकर जाएंगे अब खुद भी नहीं समझ पाएंगे। ये मैं मुहावरा आपसे बता रहा हूँ, यानी आपको ऐसा लगेगा कि चारों ओर से पैसे आ रहे हैं। ऐसा मुजर्रब और खास वजीफा है। वो खास वजीफा आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, हाजिर हुआ हूँ। वो वजीफा आज मैं आपको बताऊंगा। खास तौर से जो लोग कर्जों से परेशान हैं, वो लोग चाहते हैं गैब से मदद हो, फौरन पैसों का इंतजाम हो जाए कहीं से। घरों में बड़े मसले मसाइल हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, या कर्जे से परेशान हैं, या कमाई ज्यादा नहीं हो रही इस वजह से परेशान है, नौकरी के लिए परेशान है, दुकान या कारोबार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा इस वजह से परेशान है। मेरा यकीन माने, आज की इस वीडियो में ये मुजर्रब वजीफा मैं अपने तमाम भाइयों को, दोस्तों को और अपनी माओ बहनों को, उनको उनकी परेशानियों के लिए बताने लगा हूँ। रिज्क में बरकत का, दौलत आने का ये ऐसा खास मुजर्रब वजीफा है। जिस तरतीब से, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको उसी तरतीब से और उसी बताए गए तरीके से करना है। जैसे बताएंगे वैसे ही करना है। अपनी तरफ से आपको कमी या बेशी नहीं करनी है, वरना आपको जो वजीफा है वो आपको असर नहीं होगा। आई ना बात समझ में? इसलिए बताए गए तरीके से आपको वजीफा करना होगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, सारी बातों को ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। तो मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप लोग इस वजीफे को कब करेंगे? आप फजर की नमाज के बाद कर सकते हैं, इशा की नमाज के बाद कर सकते हैं, जोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब के बाद भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। क्योंकि आपका सवाल होगा ना रिजवान भाई, इस वजीफे को हमें किस वक्त करना है, किस टाइम करना है? तो मैं आपको बता दें, फजर के वक्त, जोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त या इशा के वक्त, किसी भी वक्त में, किसी भी टाइम में आप इस वजीफे को कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको फजर के बाद ही ये वजीफ़ा करना है, या इशा बाद ही करना है, या रात में ही करना है। अब सवाल होगा कि ये वजीफ़ा हमें कहाँ करना है? तो मेरी माएँ बहनें इस वजीफे को घर में करेंगी, मेरे भाई इस वजीफे को घर में भी कर सकते हैं, मस्जिद में भी कर सकते हैं, या आप जहाँ काम करते हैं, ऑफिस में या दुकान में, अगर पाक और साफ जगह है तो आप वहाँ भी कर सकती हैं। अगर तन्हाई में बैठकर करें तो अच्छी बात है, तन्हाई में बैठकर करें, लेकिन अगर दुकान में है या ऑफिस में है, अकेले नहीं है, लोग हैं आसपास, कोई है, तो भी आप वजीफे को कर लें, लेकिन खामोशी से पढ़ें, किसी को कुछ ना बताएं कि आप क्या पढ़ रहे हैं और किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, इस बात का खास ख्याल रखें। और घर में पढ़ेंगे, चाहे मेरे भाई, मेरे दोस्त या मेरी माएँ बहनें, उनके लिए भी हम बता देते हैं, कोशिश करें कि आप तन्हाई में बैठ कर करें, यानी खाली कमरे में बैठकर करें, ऐसी जगह जहां कोई हो ना, ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप तवज्जो के साथ ध्यान से पढ़ सकें। लेकिन अगर कमरा नहीं है अलग, आप अलग नहीं पढ़ सकते, लोग हैं आसपास, तो भी आप परेशान ना हो, एक कोने में बैठकर या एक जगह किनारे बैठकर आप वजीफा कर लें, किसी को बताएं ना कि आप क्या पढ़ रहे हैं, धीरे से, खामोशी से, धीमी आवाज में पढ़ें, आपकी आवाज सिर्फ इतनी हो कि आप सुन सकें, दूसरे को ना सुनाई दें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दूसरे को ये भी ना बताएं आपने क्या पढ़ा, किस मकसद के लिए पढ़ा। घर में आप बेड पर इस वजीफे को कर सकते हैं, बैठ के,
तख्त पे, चौकी पे या पलंग पे भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। टेबल पे, कुर्सी पे यानी चेयर पे, सोफे पे, काउच पे, किसी भी जगह आप बैठकर इस वजीफे को कर सकते हैं। जाए नमाज पे, मुसल्ले पे, कहीं भी बेहतर होगा जाए नमाज पर बैठ के करें, वरना आप कहीं भी पाक साफ जगह हो, सोफा हो, कुर्सी हो, चटाई हो, बिस्तर हो, कहीं भी बैठकर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पाक हो। अगर बिस्तर पर बैठकर पढ़ते हैं तो बिस्तर पाक हो, सोफे पे या कुर्सी पे बैठकर पढ़ते हैं तो वो पाक हो, पाक साफ हो, इस बात का खास ख्याल रखें। अब इस वजीफे को किस दिन करना है, तो जरूरी नहीं कि आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, कभी भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि जिस दिन वीडियो देख रहे हैं उसी दिन ही आपको ये वजीफा करना होगा। नहीं, ऐसी नहीं है, आप ऐसी बात नहीं है, आप कभी भी इस वजीफे को कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे, जब आपको टाइम मिले या जब आप पढ़ना चाहें, आप उस दिन ये वजीफा कर सकते हैं। सुकून से आप इस वजीफे को पढ़ लें, घर में भी पढ़ सकते हैं, जहां कहीं आप मौजूद हो, आप मस्जिद में हैं तो मस्जिद में पढ़ लें, एतकाफ की नियत कर लें, मस्जिद में पढ़ लें, एतकाफ की नियत कर लेंगे तो एतकाफ का सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद में दाखिल हुआ करें तो मेरे भाई एतकाफ की नियत कर लिया करें, पढ़ लिया करें नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। क्या नवैतु सुन्नतल इतिकाफ? ये वजीफे का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एतकाफ की नियत किस तरह की जाती है मस्जिद में। थोड़ी देर के लिए भी जाएं, नमाज पढ़ने भी जाएं तो एतकाफ की नियत कर लें, या अपनी जुबान में भी कह सकते हैं अपने भाषा में कि मैंने एतकाफ की नियत की। इससे फायदा ये होगा कि जितनी देर आप मस्जिद में रहेंगे आपको एतकाफ का सवाब मिलता रहेगा। ये मैंने आपको एतकाफ के बारे में बताया, वजीफे से इसका मतलब वजीफा नहीं है ये। अब वजीफा आप एतकाफ की नियत करके भी पढ़ सकते हैं, बगैर एतकाफ की नियत किए भी पढ़ सकते हैं। आप नमाज पढ़ने गए तो भी आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं नमाज के बाद, ठीक है। ये एतकाफ की बात मैंने आपके इल्म में इजाफे के लिए बताया कि चलो अब बात हो गई मस्जिद में पढ़ने की, तो एतकाफ के बारे में भी आपको बता दूं। मेरी बहनें तो मस्जिद में पढ़ेंगी नहीं, घर पे ही पढ़ेंगी, उम्मीद है आप सब समझ गए। ज़रूरी नहीं कि नमाज के फौरन बाद ही इस वजीफे को करें, बिलफर्ज मेरे जो भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, यानी कि जो मर्द हजरात हैं, उन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ ली, किसी भी वक्त की नमाज हो, तो घर आने के बाद आप लोग एक दो घंटे के बाद भी वजीफा पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि नमाज पढ़ने के फौरन बाद ही करेंगे। इतना आसान और इतना मुजर्रब वजीफा है, आप लोग इसे मस्जिद में भी चाहे तो नमाज के बाद फौरन पढ़ लेंगे। ऐसी मेरी बहनें भी समझ लें, मेरे माए बहनें भी समझ लें, आपने नमाज पढ़ी कोई, तो जरूरी नहीं कि आप फौरन नमाज के बाद ही करें। आपको घर का काम है तो आप नमाज पढ़ने के बाद अपना काम कर लें, उसके बाद मैं आप वजीफा करना चाहें तो कर सकती हैं, कभी भी कर सकती हैं। बहुत आसान वजीफा है, बहुत कम वक्त लगेगा आपको ये वजीफा करने में। जी हाँ, मेरी बातों को सुने ध्यान से, आपको कोई घंटा नहीं लगेगा, कुछ घंटे नहीं लगेंगे, बल्कि सिर्फ कुछ मिनट्स लगेंगे आपको इस वजीफे को करने में। क्या? सिर्फ कुछ मिनट। फिर इंशाल्लाह आप लोग कमाल देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया, आपके घर में कैसे बदलाव आया, अपनी आंखों से आप करिश्मे देखेंगे। लेकिन मेरी भाइयों, मेरी माओ बहनों, एक बात ध्यान से सुन लें, तवज्जो से, गौर से सुनकर समझ लें। आप में से कुछ लोग जो ये कहते हैं ना कि हम जब भी वजीफा करते हैं वजीफे में असर नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती, आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपका वजीफा क्यों असर नहीं करता। कुछ मेरे भाई बहन कहते हैं कि ना हम नमाज छोड़ते हैं, ठीक है, हम सारी नमाजें भी पढ़ते हैं, नमाज के बाद वजीफे पढ़ते हैं, वजीफे करते हैं, फिर भी असर नहीं होता। तो आपकी गलती ये होती है कि आप वजीफे को यकीन के साथ नहीं पढ़ते, पहले से ही शक रहता है कि वजीफा काम करेगा या नहीं करेगा, हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, वजीफा करने से कुछ होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, तो यकीन के साथ दुआ करें। जब आप यकीन के साथ वजीफा करेंगे, यकीन के साथ दुआ करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी, आपको वजीफे में कामयाबी मिलेगी। और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी करते हैं कि नमाजें नहीं पढ़ते, सिर्फ वजीफे ही करते हैं, तो ऐसा भी हरगिज़ ना करें। नमाज़ पंजगाना यानी पांच वक्त की नमाज़ें मुसलमान पर फ़र्ज है, हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है, पढ़ना है, ना पढ़ने वाला फासिक होता है। हदीस पाक में आता है कि जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे तो
उसका नाम जहन्नम के दोजख के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे वो शख्स दोजख में दाखिल होगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माओ बहनों, नमाज फ़र्ज है, इसे छोड़कर अपने रब को नाराज़ ना करें। नमाज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, ठीक है। नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है, तो नमाज लाजमी पढ़ें। और नमाज फ़र्ज इबादत है, अल्लाह ताला को इबादतों में सबसे ज़्यादा वो पसंद है जो उसने अपने बंदों पर फ़र्ज किया है। वजीफ़ा जो आप पढ़ते हैं वो फ़र्ज़ नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार नहीं होंगे, क्योंकि वो नफली इबादत है, वो नफिल है, फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन नमाज तो फ़र्ज़ है, अगर आप वजीफ़ा ना करें और सच्चे सही तरीके से आप नमाज पढ़ें सच्चे दिल से इखलास के साथ, तो इंशाल्लाह आपकी तमाम बलाएँ और तमाम मुसीबतें परेशानियाँ नमाज की बरकत से ख़त्म हो जाएंगी। नमाज तो फ़र्ज़ है, वो तो पढ़ना ही है। तो नमाज अगर आप छोड़कर वज़ाइफ़ करते हैं तो ऐसा ना करें, पहले आप नमाज की पाबंदी करें उसके बाद वज़ाइफ़ करें, इंशाल्लाह ताला आपको बरकतें मिलेंगी। हमने आपको ये बता दिया कि ये वजीफ़ा आपको कब करना है, किस टाइम करना है। अब सवाल आता है कैसे करना है, क्या पढ़ना है, तो आइए इस बारे में जानते हैं और इस प्यारी सी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो वजीफे की जानिब बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपको बता दें कि नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जी हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, फिर कैसे इस चैनल को ढूंढेंगे, इसलिए इसका हल ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे दबा करके ऑल पर प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच आती रहेंगी और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएंगे। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है अगर, तो आप हजरात इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाने वाला, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है, तो देर किस बात की, इतनी प्यारी वीडियो है, लाइक करने से फ़ायदा भी है, तो लाइक ज़रूर कर दें, अभी लाइक कीजिए इस वीडियो को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है, तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, दोस्त अहबाब में, करीबी लोगों में ज़रूर पहुँचाएँ, कम अज़ कम अपने कुछ करीबी लोगों में इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ और हमारे साथ बने रहिए इस प्यारी सी वीडियो में आखिर तक, ताकि आपको सारी मालूमात हो और आप सारा तरीका अच्छे से समझें जानें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, एक बार फिर ध्यान दे दीजिए, उसके बाद आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको जहां वजीफ़ा पढ़ना है बैठ जाना है किसी पाक साफ जगह पर। किस जगह पर पढ़ेंगे ये भी हमने आपको बता दिया, कब पढ़ेंगे ये भी हमने आपको बता दिया। याद रहे कि इस वजीफे को आपको नापाकी में नहीं करना है और बिना वजू के भी नहीं करना है, आपको वजू के साथ इस वजीफे को करना है और पाक और साफ हालत में करना है। नापाकी की हालत में आपको इस वजीफे को नहीं करना है, मेरे भाइयों को भी नापाकी की हालत में नहीं करना है, मेरी बहनों को भी नहीं। यानी जब आप पे गुस्ल फ़र्ज़ हो तो नापाकी की हालत में इस वजीफे को ना करें, जब आप पाक और साफ हों, नमाज पढ़ने की हालत में हों, तब आप इस वजीफे को करें। तो आपको करना यह है कि पाक साफ हैं तो वजू कर लें, वजू पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वजू कर लें और वजीफा करने बैठ जाएं। सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ, सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। आप कोई सी भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, जो दुरूद पाक आपको याद हो या जो दिल चाहे, ठीक है। बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा आपको बता रहे हैं, सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, 3 times दुरूद पढ़ें।
आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी भी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। درود ابراہیمی پڑھ لیں یا آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے، آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، دھیان سے سنیے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس طرح پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا دو بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا تین بار، ایسے آپ پڑھ لیں تین بار۔ یا آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد، یہ بھی ایک مختصر درود شریف ہے، ایک چھوٹی درود شریف ہے، پڑھنے میں بہت آسان ہے، صلی اللہ علی محمد، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسے پڑھ لیں، مختصر ہے، آپ اسے بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا ایک بار صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا دو بار صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا تین بار۔ تو ایسے ایسے آپ تین بار پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ دھیان رہے، بڑا خاص وظیفہ ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جو صرف آپ کو ایک بار کرنا ہو اور ایک دن کا ہی عمل ہو، اور ایک وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، آپ کو جو کچھ بھی چاہیے وہ سب مل جائے، ایک بار ہی کریں اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک ایسا وظیفہ مل گیا، یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے جو آپ کو صرف ایک دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو خوشخبری ملے گی، آپ کے تمام بگڑے کام اللہ کے فضل سے بن جائیں گے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، آپ لوگ اندازہ لگائیے کتنا پاورفل وظیفہ ہوگا۔ سورہ کوثر ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ہم سبھی حضرات، ہم اور آپ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں قبول ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، میلے کچیلے ہیں مولا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، نادم ہیں مولا، تعالیٰ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں مولا، تعالیٰ ہمارے ان گندے ہاتھوں کو خالی نہ رکھ مولا۔ یا اللہ عزوجل ہمارے تمام گناہوں کو، خطاؤں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل معاف فرما۔ مالک و مولا عزوجل ہم سب کی روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا عزوجل ہم سب کے دل میں جو بھی حاجتیں ہیں، جس کی جو مرادیں ہیں، جس کی جو تمنائیں ہیں مولا تعالیٰ، سب کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ مالک و مولا عز و جل جس کی جو بھی دعا ہے مولا، اس کی دعا کو قبول فرما۔ مالک و مولا عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا خدمت گزار بنا، فرما بردار بنا، نیک و صالح بنا۔ مالک و مولا عز و جل جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا، قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، قرض ادا نہیں ہو رہا مولا تعالیٰ، پردہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ مالک و مولا عز و جل غیب سے انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، قرض سے چھٹکارا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بھی میرے بھائی بہن
शादी के लिए बैठे हुए हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते लग नहीं रहे, रिश्ते लगते हैं तो कट जाते हैं, या शादी के इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, शादी के असबाब नहीं हो पा रहे, मौला ताला उन सब की मदद फरमा, गैब से शादी का असबाब बन जाए ऐसा फजल फरमा, सब के लिए नेक से नेक अच्छे से अच्छे रिश्ते के गैब से असबाब पैदा फरमा। मालिक व मौला अज़्ज़ा वजल हमारे तमाम गुनाहों को ख़ताओं को मुआफ़ फरमा, दुनिया भर के मुसलमानों को गुनाहों से बचा, बेहयाई से बचा, बुराइयों से बचा, पाक दामन रख, बाहया रख, बाइज्जत रख, बादब रख, हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों की खूब खूब कामयाबियाँ अता फरमा, दुनिया और आखिरत दोनों की जिल्लत और रुसवाई से बचा, दुनिया और आखिरत दोनों की खूब खूब खुशियाँ अता फरमा, हमारा ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफात नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस में सरकार करीम अलैहिस्सलाम का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद्द शहीद करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, कमेंट बॉक्स में जाइए और जा करके आप सभी हजरात कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिए कि क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए, कब हम सब की हाजतें पूरी हो जाएं, कब हम सब की मुरादें पूरी हो जाएं। तो कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिए और दिल से आमीन ज़रूर कहिए। जब आप ये वजीफ़ा करें तो दिल में ये नियत रखें कि ऐ अल्लाह अब हम कोई गुनाह नहीं करेंगे और पाँचों वक्त की नमाजें इंशाल्लाह वक्त पर अदा करेंगे और आज से हमारी कोई भी नमाज कज़ा नहीं होगी। और याद रहे आप लोगों को नमाजों की पाबंदी भी करनी है, सच्ची पक्की नियत करें कि नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। पहले आप खुद को नमाज पंजगाना पढ़ने वाला नमाजी बनाइए, उसके बाद में दूसरे काम कीजिए, इंशाल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जब आप लोगों का ये वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग अपने बिगड़े कामों के लिए, अपने रुके हुए कामों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह तबारक व ताला इस वजीफे की बरकत से आप लोगों को खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो तीन बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको एक मरतबा पहला कलमा पढ़ना है, आपको कलमा तैयबा पढ़ना है, आपको पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ठीक है, आपको पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर मुसलमान को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह याद है, आप पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार। फिर आपको सूरह कौसर पढ़ना है, सबसे पहले आपको सूरह कौसर पढ़ लेनी है, कितनी बार? 21 मरतबा। ठीक है, 21 टाइम्स। हम आपको पढ़कर भी सुनाते हैं, आपको ऐसे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये हो गया एक बार, ऐसे ही आपको और पढ़ते जाना। शुरू में औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर आप सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ते जाएं, सूरह कौसर पढ़ते जाएं। अब हमने चूंकि बात किया है बीच में तो हम औज़ु बिल्लाह फिर पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हमने कई बार आपको सूरह कौसर पढ़कर सुनाया, ऐसे ही पढ़ते जाना है और आपको 21 टाइम्स यानी कि 21 बार सूरह कौसर पढ़ लेना है। जी हाँ, आपको सूरह कौसर पढ़ लेनी है 21 मर्तबा। अब इसके बाद मैं आपको एक इस्म बताऊंगा, एक नाम बताऊंगा, ये आपको ये इस्म कितनी बार पढ़ना है, किस तरतीब से, किस तरीके से पढ़ना है, ये आपको बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझ लेना है। आपको पढ़ना है या बासितु। जी हाँ, ध्यान से सुने, या बासितु। ये इस्म आपको कितनी बार पढ़ना है, 100 बार, यानी कि आपको इसकी एक तस्बीह पढ़नी है, 100 टाइम्स या बासितु पढ़ें। या बासितु ये हो गया एक बार, या बासितु ये हो गया दो बार, या बासितु ये हो गया तीन बार, या बासितु ये हो गया चार बार, या बासितु ये हो गया पांच बार, या बासितु ये हो गया छह बार, या बासितु ये हो गया सात बार, या बासितु ये हो गया आठ बार, या बासितु ये हो गया नौ बार, या बासितु ये हो गया दस बार। हमने आपको 10 बार पढ़कर सुनाया, ऐसे ही आप पूरे 100 बार पढ़ लें। जी हाँ, 100 बार पढ़ने के बाद मेरे तमाम दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आपको सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम आखिर में भी आखिर में ये पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 21 बार, यानी कि 21 टाइम्स आपको पढ़ना है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये हो गया एक बार, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया दो बार, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया तीन बार, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया चार बार, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया पांच बार, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया छह बार, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया सात बार, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया आठ बार, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया नौ बार, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया दस बार। 10 बार आपको हमने पढ़कर सुनाया, ऐसे ही आपको 21 बार यानी 21 टाइम्स पढ़ना है, 10 बार नहीं 21 बार पढ़ना है, 21 बार सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। और आखिर में आपको करना यह है कि तीन बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, आखिर में वही वाली दुरूद शरीफ पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी हो, उसी तरीके से वही दुरूद शरीफ आप हजरात आखिर में भी ज़रूर पढ़ लीजिए। इस तरह आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक के फजलो करम से। इसके बाद अपने हाथों को जिस तरह दुआ के लिए उठाते हैं, दुआ के लिए उठाएं, दोनों हाथों पर फूंक मार दीजिएगा, दुआ के लिए जिस तरह उठाते हैं उस तरह उठाएं, फूंक मारे दोनों हाथों पर। आपको दुआ के लिए भी उठाना है, लेकिन दुआ के लिए उठाने से पहले आपको हाथों पर दम कर देना है, फूंक मार देना है, अपने चेहरे पर फेर लीजिए फूंक मार कर, उसके बाद उसको पूरे अपने बदन पे मल लीजिए, हाथों में मल लीजिए, ठीक है, उसके बाद दुआ के लिए उठाएं, ठीक है। वजीफा पढ़ने के बाद हाथों पर दम करके चेहरे पर और जिस्म पर मलें, उसके बाद फिर दुआ के लिए हाथ उठाएं। मेरे तमाम भाई और मेरी तमाम माएँ बहनें सभी अल्लाह पाक से दुआ करें, ठीक है, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें दुआ में, और इस यकीन के साथ दुआ करें कि इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। जो भी आपकी हाजतें हैं, एक हाजतें हैं, दो हाजतें हैं, 10 हाजतें हैं, 100 हाजतें हैं, सैकड़ों हाजतें हैं, हज़ारों हाजतें हैं, कितनी भी मुश्किलें हैं, कितनी भी परेशानियां हैं, आपके दिल में कितनी भी मुरादें हैं, अल्लाह पाक के ख़जाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं,
और वो बड़ा अता करने वाला है। और जब बंदे अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उन्हें खाली हाथ नहीं रखता, अल्लाह ताला उनकी झोली भर देता है, उनको अता फरमाता है। बेशक वो रब बड़ा करीम है, बड़ा अता फरमाने वाला है। इस यकीन के साथ दुआ करें कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। दुरूद शरीफ पढ़ें आखिर में भी और शुरू में भी, क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर आप हजरात अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर हुजूर के वसीले से दुआ करें कि अल्लाह हमें हुजूर के सदक़े में माफ़ फरमा, हुजूर के सदक़े में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरी इन तमाम हाजतों को पूरा कर दे, मेरी इस हाजत को पूरा कर दे, मेरी इस मुराद को पूरा कर दे। अपनी तमाम हाजतों के लिए, मुश्किलों के लिए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि मालिक तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा खालिक व मालिक है, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ना मांगे तो किस से मांगे। रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करें, इंशाल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आखिर में भी दुआ मांगने के बाद, दुआ करने के बाद आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिए। तो मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी इंशाल्लाह ताला ऐसी किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूंगा। जाते जाते फिर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी इंशाल्लाह ताला ऐसी ही किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूंगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह हाफिज़।